हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे मेरे ग्रुप में मोर देन 375 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो के जरिए डेफिनेटली बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। यहाँ पे बात हो रही थी 29 और 30 अप्रैल को धरती की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड की, यहाँ बात हो रही थी मनी ग्रोथ की, और यहाँ बात हो रही थी 5 अप्रैल के इवेंट की। सबसे पहले एस्टेरॉयड की बात करते हैं। 29 या 30 अप्रैल के बीच धरती की तरफ आने वाली एस्टेरॉयड एक नेचुरल डिजास्टर है। उससे धरती को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगी। ये सवाल भूल जाए कि धरती खत्म हो जाएगी या रहेगी, धरती माँ को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब भी हमारे देशों में कुछ मनुष्य जो पूजा पाठ या प्रेम से जीते हैं, जिन लोगों के दिल में एक्चुअली प्यार है, मोहब्बत है, जिन माओं की दुआ है, डेफिनेटली इस धरती माँ को उन लोगों की दुआ के साथ कुछ नहीं होने वाला है, हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगी, तो धरती डेफिनेटली रहेगी। दूसरा क्वेश्चन था मनी ग्रोथ की, कि फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम ये वो एक्सेट्रा। मैं आप सभी को एक ही बार समझा देती हूँ, बिल्कुल सिंपल वैसे। 2020, 2 + 2 = 4, ठीक है? 4 नंबर कारका ऑफ राहु प्लेनेट। आपने सुना होगा गांव में या बचपन में कहते थे, जो भी बच्चा नटखट या बदमाश होता था कहते थे राहु कहीं का, गुस्सा में माँ बाप डांटते थे, या याद होगा ना राहु कहीं का। तो राहु का काम है तकलीफ देना या तकलीफों में उंगली करना। हो सकता है आपको अननोन डिसीज दे, बीमारियां दे, बहुत कुछ, और साथ ही साथ नुकसान देने का राहु जी का काम है। सो 2020 फाइनेंशियली डेफिनेटली बहुत वीक रहेगा, 2021 भी वीक रहेगा, लेकिन फाइनेंशियली मनी ग्रोथ के जिस तरह से आप सभी मुझे पूछ रहे हैं, वाव वाला जो जवाब है वो है 2022। नॉट ओनली इंडिया, पूरी देश के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा सबमिट होगा 2022। कोई बात नहीं, तब तक थोड़ा मेहनत कर लीजिए आप सभी, क्योंकि दुख के बिना सुख का एहसास नहीं होता है। थोड़ा सा दुख को सहन कर लीजिए। और 5 अप्रैल की कुछ डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सवाल है, कुछ सवाल को मैं अवॉइड करूंगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी आप पर्सनली ये नहीं समझे कि आपके लिए गुड लक सबमिट होगा, आपकी एक स्पेशियल रेमेडी है, क्योंकि हर इंसान की हॉरोस्कोप और प्लेनेट ग्रहों की पोजीशंस बिल्कुल अलग होती है, और सभी के लिए जो रेमेडीज होती है वो बिल्कुल भी डिफरेंट तरह की होती है। लेकिन ये जो मोदी जी ने कहा है वो आपकी तरफ से देश के लिए एक सपोर्ट होगा। 9 PM और 9 दीपक की बात को मैं छोड़ देती हूँ, बिकॉज मेरी कैलकुलेशंस देश की सपोर्ट के लिए अगर होता तो और थोड़ा सा टाइमिंग की डिफरेंट, नंबर की डिफरेंस ही होगी। बट मैं 9 नंबर की मैजिकल गेम्स आपको बताना चाहूंगी बिल्कुल सिंपल वे में। लोग, आपको पता होगा ना, 9 प्लेनेट, देवी दुर्गा का 9 रूप, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं। बट 9 नंबर इज रिलेटेड टू द मंगल ग्रह, एंड 9 नंबर द कारका ऑफ मंगलम। सो मंगलम यानी मंगल कार्य समझ लीजिए आप। रही बात प्रकाश की, जैसे अंधेरे को अंधेरे से दूर नहीं किया जा सकता, अंधेरे की दूर या अंधेरे को दूर किया जा सकता है सिर्फ प्रकाश से। जैसे मोदी जी ने कहा कि 9 दीपक जलाया जलाए, 9 नंबर की बहुत स्पेशलिटी है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप गूगल करके देख सकते हैं। मगर मंगल की प्रकाश वाली जो बात है, अगर आप करना चाहे तो एक दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी मन से ईर्ष्या, अहंकार, भय, लोभ, पाप खुद को मुक्त करते हैं, तभी आपकी मन प्रकाश की ओर जाएगा। आप अपनी मन को प्रकाश कीजिए, डेफिनेटली आप लाइफ में हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में सक्सेसफुल रहेंगे। सो आप अपनी मन को भी प्रकाश कीजिए, और
बहुत अच्छी बात है अगर फिफ्थ को आप इस भारत को, इस इंडिया को, या भारत की राजा जो पीएम जी हैं, क्योंकि मनुष्य प्रजाति को एक लीडर की पुराने वक्त से ही जरूरत पड़ते आ रहा है। पहले राजा कहते थे, मुखिया कहते थे, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। सो डेफिनेटली आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म तारीख है, 17/9/1950 है। मोदी जी की लकी नंबर भी है 5। सो डेफिनेटली आप अगर उनकी सपोर्ट करेंगे तो इस देश को भी सपोर्ट मिलेगी। दो तीन मेरे दोस्तों ने गलत सवाल किए हैं कि मेरे लिए ये स्पेशली लाखी सबमिट होगा अगर मैं 9 दीपक जलाऊं, तो उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगी। ये स्पेशली आपके लिए अलग रेमिडीज नहीं है, ये पूरी देश की बात हो रही है। और देश को सपोर्ट मिलेगी, सबसे बड़ी बात। आई थिंक यस यस संडे को, कल 5 अप्रैल को जुपिटर और प्लूटो की जो संयोग है, प्लेनेट ग्रह, प्लूटो ग्रह की जो संयोग है, उसको जैसे हम कहते हैं गुड लक, द सिंबल ऑफ गुड लक, सो बहुत अच्छा माना गया है। उस दिन आप 9 दीपक रात को जलाए या नहीं जलाए वो मैं नहीं कह सकती हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल होता है। बिकॉज एक अच्छा कर्म करने से मन की प्रकाश होती है। तो डेफिनेटली आपको इस देश को और प्रधानमंत्री जी को, या इस देश की पुलिस को, इस देश की आर्मी को आपको सहायता करना चाहिए, आपको सपोर्ट करनी चाहिए। बिकॉज हम लोग इसी देश में रहते हैं, हम प्रजा है, इसी देश में रहते हैं। ये देश छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। और उनको सपोर्ट करेंगे तो हमारी मन की प्रकाश होगी, हमारी मन में हिम्मत आएगी। रहा बात मैजिकल कुछ कुछ प्लेनेटरी कंजंक्शंस की, जैसे मार्स इज रिलेटेड टू द आर्मी, पुलिस, या स्ट्रॉन्ग केस्ट, वो सारी चीजें एक अलग एस्ट्रोलॉजिकल वे हो जाती है। आप बिल्कुल नहीं समझना चाहते हैं, और जेहेतु आप मुझे ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमें सिर्फ सिंपल बात बताइए, समझ लीजिए। 5 अप्रैल को एक अच्छी बात बता देती हूँ, बाकी एस्ट्रोलॉजिकल कंजंक्शन को, एस्ट्रोलॉजिकल गेम्स को, मैथमेटिक्स को साइड में रख के, जुपिटर और प्लूटो की जो संयोग है वो बहुत अच्छा सबमिट होने वाली है। तो आप एक काम कीजिएगा, जिन्हें नहीं मन है कुछ अलग करने का, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा काम कीजिए, मन को प्रकाश कीजिए। अच्छे कर्म में बहुत कुछ आता है जो आपकी मन को भाता है। मन की प्रकाश होगी तो डेफिनेटली आपके जीवन में सक्सेस आएगी, बहुत ही अच्छा होगा। मुझे किसी ने पूछा था कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा, नाम नहीं बता रहे हो, ओके ठीक है। आपने अनजाने में सही एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन किया है। 2020 टू 2050 राहु और केतु के इस बीच में जो पड़ाव है, आपको सुख दुख की भागीदार होना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसी चीजें, इंडिया का मत समझिएगा, इस देश के सामने आएगा। 2020 और 2050 के बीच जो हर बार ह्यूमन, इंसान, आप, हम, हर कोई इनवेलेंस हो जाएंगे, धरती इनवेलेंस हो जाएगी, बहुत कुछ घटनाएं घटने वाली है। क्योंकि ये मैं, जेहेतु ये सोशल वीडियो है, तो मैं आप सबके बीच में शेयर नहीं कर रही हूँ। बहुत ही मेरी मेरी बुक आने वाली है बहुत जल्द, आफ्टर 7 ईयर्स, जहाँ हर एक प्रेडिक्शन होगी, मोर देन 1200 प्रेडिक्शन अवेलेबल होगी वहां पे। हर चीज को, हर कैलकुलेशंस को मैंने समझाया है। और यहाँ सोशली जो मैं नहीं कह पा रही हूँ, बिकॉज कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं आना है। कुछ चीजें हर किसी की कैलकुलेशंस मैच नहीं होती है, लेकिन मैंने उस बुक में रखने की कोशिश की है, क्योंकि वो मेरे किताब है, तो डेफिनेटली सोशली कंट्रोवर्सियल नहीं होना चाहिए। मैं वहां बात रख सकती हूँ मैं अपनी बुक में, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग, बहुत सारे लोग, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं कंट्रोवर्शियल जो नहीं जम रही है, नहीं मैच हो रही है, उसको नो कह के मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ। जो चीज मेंशन कर पा रही हूँ
वो आप समझ लीजिएगा। और एक उन्होंने कहा था मुझे डेफिनेटली ये टेंशन लेने की बात नहीं है, जून तक डेफिनेटली ठीक हो जाएगी सिचुएशंस, कोरोना की जो सिचुएशंस है, आप मोदी जी को सपोर्ट कीजिए। यहाँ ओ आपने मुझे पूछा था 8 नंबर्स और 9 नंबर की क्या लेन देन है, तो एक्चुअली बात ऐसी नहीं है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको समझा देती हूँ। 8 नंबर पावर ऑफ सैटर्न है एंड 9 नंबर ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इज रिलेटेड टू द मंगल, द करक ऑफ मंगलम मार्स से रिलेटेड है। यहाँ पे एक अलग कहानी हो जाती है, शनि भगवान सूरज भगवान के संतान है, आप सभी को पता होगा, कभी भी पिता और पुत्र का जमा नहीं है, हमेशा किटपिट रहा है। लेकिन 8 नंबर को अगर सन की पावर सूरज की पावर बढ़ानी है या स्ट्रांग करनी है, तो अगर आप जैसे 9 दीपक जलाते हैं या माता की सेवा करते हैं, क्योंकि शनि भगवान को हमेशा से अपना माता साया से प्रेम रहा है, माता की अगर आप सेवा करेंगे तो सन का जो प्रकोप होता है वो थोड़ी कम हो जाती है। समझ लीजिएगा पिता का पुत्र के लिए थोड़ा सा ही सही, लेकिन प्यार जागता है, देखो कहीं ना कहीं वो संतान उनकी सेवा कर रहा है, उनकी माता का। सो एक रीजन ये भी है, संडे को अगर आप सूरज भगवान के दिन है वो दीपक 9 दीपक जलाते हैं, तो उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस 8 नंबर के लिए, समझ लीजिए इस देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टेबल सबमिट होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सबमिट होता है उनको सपोर्ट, और उनको सपोर्ट मिलने का मतलब ये होता है क्योंकि प्रेजेंट वो इस देश की प्रधानमंत्री जी है, यानी राजा है, इस देश को उनका जरूरत है। सो डेफिनेटली आप सभी को उनके लिए जलाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो अन्ना ओके जो आपने पूछा था आपके लिए क्या लकी सबमिट होगा, तो इस बात पे मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ, आप सभी को समझदार है, क्योंकि किसी पर्सनल रीजन में आप ये मत समझिए कि ये रेमिडीज में रेमिडीज के तौर पे आप ले ही नहीं इस चीज को, ये रेमिडीज मैं कर लूंगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लाकी सबमिट होगा, इस तरह की सोच नहीं लाना चाहिए। अभी आपको इस देश की आर्मी, इस देश की पुलिस को, उस देश की डॉक्टर नर्स को, जिनकी वजह से हम हमेशा खुश है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आपको मैं 3 कैलकुलेशंस प्रेडिक्शंस दे चुकी हूँ, आपको अभी संभालना होगा क्योंकि 2021-2022 तक आपको स्ट्रॉन्गेस्ट होके खड़ा रहना है। अभी और दुविधा और बहुत तकलीफ आने वाली है, जो बहुत जल्दी मेरी बुक के जरिए सामने आएगी आप सभी के बीच में। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, एंड थैंक यू सो मच, सेफ रहिए सभी, आराम से रहिए, प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, मेरे बुक में मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत बड़ी राज है, आपकी दिल से प्रेम पूजा अलग भाषा में अगर लिया जाए तो प्यार, लोगों के दिलों में प्यार कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आपकी मन से ईर्ष्या, अहंकार, भय, लोभ, पाप उनको भगा दीजिए, उनको उनकी नाश कीजिए आप, तभी इस देश का या आपका या हमारा सभी का बहुत अच्छा होगा। कुछ रीजन है, अभी मैं इतनी शॉर्ट में नहीं कह पाऊं कि बहुत जल्द बहुत अच्छी वीडियो के साथ मैं सोशली आने वाली हूं, एंड थैंक यू सो मच।